हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस व्लॉग में मैं आपको ले चलूँगा सेप्पा। जी हाँ, आफ्टर 7 ईयर्स मैं सेप्पा जा रहा हूँ। मतलब ऐसा हो रहा है कि पहली बार जा रहा हूँ जैसा वाला ही फील आ रहा है। और इस वक्त हम बसार से होके लिखावाली जा रहे हैं, उसके बाद आज ही हम सेप्पा पहुँचने की कोशिश करेंगे। और हाल ही में मैंने आलो तो बसार का व्लॉग आपको दिखाया था। इसे हम सेप्पा 3 गाड़ी से जा रहे हैं, 3 अलग अलग गाड़ी, और टोटल 15 लोग जा रहे हैं। 15 में से ऑलमोस्ट 10 तो महिलाएं अन्य पार्टी है, उनके साथ जा रहे हैं। और सेप्पा जाने का मेरा क्या मकसद है, इसे जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे न्यूज़ चैनल में, जिसका नाम आप सभी को पता है फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल। फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में जाइए तो आपको पता चलेगा कि मैं सेप्पा में क्या करने जा रहा हूँ या फिर क्या कर रहा हूँ और मकसद क्या है सेप्पा जाने का। और इस ट्रिप के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा NRLM के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर फर्म योगो मीमार वासर जी, जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, इनके साथ जा रहा हूं। और मुझे बहुत ही खुशी है कि सेप्पा में एक बहुत ही नेक काम में और बहुत ही एक अच्छे मौके पे जा रहा हूं, जिसका मैं एक पार्ट रहूंगा। तो दोस्तों बने रहेगा इस ब्लॉक पे और मैं आपको दिखाऊंगा सेप्पा। आलो यहाँ से हम लिखावाली पहुँचेंगे, लिखावाली से दोईमुख नहर लगन, फिर वहाँ से हम सीधे ईटानगर में रुकने वाले नहीं है, सीधे सेप्पा पहुँचेंगे। और हाँ, फिर से याद दिला दूँ, असली मकसद जो सेप्पा जाने का है उसे जानने के लिए आप फ्रीडम न्यूज अरुणाचल को विजिट कीजिए और वहां पे देखिए। तो योगो मीमार बासार के साथ बाकी चारों जवान लड़के जो हमारे साथ इस ट्रिप में जा रहे हैं, सब यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा सुसु ब्रेक ले रहे हैं। और क्योंकि बीच बीच में रुकना पड़ रहा है क्योंकि जर्नी में हमारे साथ, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे आनवी है जो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से हैं, गाँव अलग अलग गाँव से है, हमारे साथ इस ट्रिप में जा रहे हैं सेप्पा। बासार से ईगो तक अभी फ़िलहाल रास्ता ठीक है, लेकिन ईगो से अभी जहाँ तक गारू क्रॉस हो चुका है, लेकिन इस बीच मतलब रिकमेंड नहीं करूँगा कि छोटा गाड़ी लेकर यहाँ से कोई जर्नी करे। और आलो लिखावाली रास्ते से मैं तकरीबन 1.5 ईयर के बाद जा रहा हूँ, तो एक मिक्स्ड फीलिंग भी आ रहा है क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से बस मैं अपनी मम्मी के साथ गया था ईटानगर, इस रास्ते से होकर बहुत ही ख़राब रास्ता था, उस समय भी मैंने ब्लॉग बनाया था। और अफसर 1.5 ईयर शायद आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए अभी सीधे यहाँ से निकलते हैं, हम शायद दिन का लंच लिखावाली में करेंगे। सो गाइस, सुबह 5:30 से हम आलो से निकले थे और अभी बज चुके हैं सुबह के 10, मतलब लगभग 5 घंटा लगा यहाँ रुके हैं। यहाँ पे हम लंच करने वाले हैं, एक खूबसूरत सा होटल है, होटल का नाम पता नहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ हम लंच करेंगे। उसके बाद हम आराम से मतलब 11 बजे के करीब यहाँ से निकल जाएंगे। हम ईटानगर या नाहरलगुन हम नहीं जाएंगे, हम हरमुती होके सीधा सेप्पा के लिए जाएंगे। और मैंने सुन रखा है कि हरमुती या नाहरलगुन से सेप्पा आज की तारीख में बस 4 घंटे ही लगते हैं पहुँचने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आज से 6-7 साल पहले जब मैं गया था तो पूरा दिन भर लग गया था, लेकिन नाहरलगुन से सेप्पा जाने के लिए 4 घंटे, और मैं बस यही सोचकर हंस रहा था कि नाहरलगुन से आलो आने के लिए आज पूरा दिन लग जाता है।
तो आज रात डिनर के टाइम मतलब 8 बजे तक हम सेप्पा पहुंच जाएंगे। ये पार्ट जर्नी का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, खाना खाने वाला। बट आज एक चीज़ मिसिंग है, हमको हमेशा मटन पसंद होता है ऐसे जर्नी में, जब भी खाना खाता है, पर मटन ख़त्म हो गया तो लोकल चिकन। तो अपना हो गया है लंच और अभी हम निकलने वाले हैं सीधे सेप्पा के लिए। तब दोपहर के 1 बज चुके हैं और मैं ऑलमोस्ट सोने ही वाला था, पर अभी चाय पीने के लिए सभी रुके यहाँ पे। यहाँ कोई लखीमपुर के सामने पीके ढाबा करके, तो यहाँ पे चाय पियेंगे उसके बाद फिर हम निकलेंगे। तो हम घूम तो चेक गेट के अंदर आ गए हैं, उसके बाद अभी सीधे यूपीआर रास्ता होकर जा रहे हैं, अभी सेप्पा के लिए निकलेंगे। शाम को 7-8 बजे तक सेप्पा पहुंच जाएंगे जैसा कि कहा था। और कुछ और लोग जुड़ गए, कुछ मैडम और कुछ सर हमारे इस सफ़र में जुड़ गए, मतलब ऑलमोस्ट 20-21 आदमी हम लोग इस ट्रिप पर जा रहे हैं सेप्पा। और ख़ास बात हमारे इस जर्नी में हमारे आलो ईस्ट के जिला परिषद सर आज घुमसिन मिल गए हैं, ये भी हमारे साथ इस सफ़र में होंगे। चलते ऐसे ही। तो अभी हम सेप्पा जाने वाले हाईवे में पहुंच चुके हैं। गुमतो से पार करने के बाद यूपीआर वाले रोड से इस हाईवे तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, रास्ता ख़राब है और रास्ता बहुत नैरो है, उसको पार करके अभी ये हाईवे में पहुंच चुके हैं। और बताया गया कि यहाँ से तो एकदम सेप्पा तक रास्ता बिल्कुल ठीक है, आई होप रास्ता ठीक ही हो। और थोड़ी थोड़ी ठंड लगने शुरू हो रही है और सेप्पा पहुँचते पहुँचते तो अंधेरा भी हो जाएगा, तो शायद अभी इसके बाद ज़्यादा कुछ मैं सेप्पा तक का नहीं दिखा पाऊँगा। इट्स 4:30 PM नाउ और हम पहुंचने वाले हैं सागाली। सेप्पा भी यहाँ से काफ़ी दूर है और देख सकते हैं कि धीरे धीरे रोशनी कम हो रही है, शाम हो गया और ये लास्ट पेट्रोल पंप है, इसके बाद पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, सीधा सेप्पा में ही पेट्रोल पंप मिलेगा। इसीलिए जितना 3 गाड़ी जो जा रहे हैं, तीनों गाड़ी में भी पेट्रोल डीजल जो भी हो तेल भरा रहे हैं पूरा, उसके बाद यहाँ से फिर अभी निकलना है। We'll be right back.
तो दोस्तों रात के 9:30 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं सुरक्षित सेप्पा। हमने डिनर भी कर लिया है और इस वक्त अभी हम यहाँ पे यूडी गेस्ट हाउस सेप्पा में हैं। यहाँ पे सबका सब अपने अपने रूम में चले गए हैं सोने के लिए। इस गेस्ट हाउस में बस हम मैं और मेरे पीछे जिला आसी, उसके बाद बीओ सर जो वो मीमार बसर, उसके बाद दो मैडम आई थी ईटानगर से, नाहरलगन से, वो सब यहाँ पे। बाकी सब जितने भी महिलाएं आई थी सेल्फ हेल्प ग्रुप की, वो एक दूसरी जगह सोने के लिए चले गए। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था और कुछ भी आपको दिखा नहीं पाया सेप्पा का। और फिलहाल इतना तो कहना चाहूँगा कि नाहरलगन से आलो और नाहरलगन से सेप्पा की अगर बात करें तो नाहरलगन टू सेप्पा 10 गुना ज़्यादा अच्छा है, अभी बन चुका है रास्ता। पहुँचने के लिए आसानी होती है, कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। फिलहाल यार हमारा रूम आज यहाँ पे सोने वाले हैं। एक वाला बेड में हमारे रिस्पेक्टेड आसी जिला गुमसेन लोलन जी है और वो होगा मेरा बेड वो वाला। तो इस फिलहाल इस व्लॉग को ये पे एंड करता हूँ और कल फिर से कोशिश करूँगा आपको सेप्पा दिखाने की। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय।